वेल द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज द कलेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ अदर राइट्स यहां पर यह बात की जा रही है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये कलेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ अदर राइट्स है इसका मतलब यह हुआ कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से पहले भी बहुत सारे राइट्स हैं कि अगर वो राइट्स आप एक्सरसाइज करेंगे या करने हैं अगर वो राइट आपने एक्सरसाइज तो फिर आप उनको करते करते फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का एक्सरसाइज भी राइट कर सकते हैं स्लाइड पर देखें द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस एंड पोलिटिकल पार्टीज फॉर लॉफुल पर्पजेज फ्लोज फ्रॉम द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो यह फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का राइट जो है यह फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के राइट से इवॉल्व हो रहा है एक और राइट है द राइट टू एंटर अपॉन एनी लॉफुल प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का राइट जो है यह कनेक्टिविटी रखता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के साथ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बाद द राइट टू एंटर अपॉन एनी लॉफुल प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के राइट के साथ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ एंड एक्सप्रेशन के साथ एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये चार पांच आपको राइट बताएं ये राइट्स फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से पहले एग्जिस्ट करते हैं और इन राइट से होते होते आप फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के राइट तक पहुंचते हैं तो ये बेसिकली एक सीरीज ऑफ राइट्स है जो कि इंटर कनेक्टेड है बड़ी खूबसूरत बात की जा रही है वट अ पर्सन में लीगली डू अ लोन ही मे डू विद द असिस्टेंस एंड कॉपरेशन ऑफ अदर्स वट अ नाइस प्रिंसिपल कि जो एक इंडिविजुअल अकेला काम कर सकता है वो दूसरों की मदद से भी कर सकता है और देयरफॉर वो ट्रेड यूनियंस बना सकता है एसोसिएशन बना सकता है माइडेड स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स का राइट right है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें ताकि डायलॉग हो डिस्कशंस हो, सॉल्यूशंस निकलें एवोल्यूशन हो प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो सोसाइटी में सोशल जस्टिस हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को एक्सरसाइज करके वो इन पर्पसेस को लोगों तक पहुंचाएं और इस सिलसिले में असेंबल हो सकें और अपनी बात को आगे पहुंचा सकें इट इज ओनली वन पीपल कंबाइंड टुगेदर फॉर इलीगल पर्पसेस दैट द लॉ प्रोहिबिट्स कानून सिर्फ ऐसी एसोसिएशंस को ऐसी असेंबलीज़ को रोकता है जो कि गैर कानूनी काम के लिए असेंबल होती हैं, डियर स्टूडेंट्स, एक एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के नीचे आ सकती है कंपनी बना सकती है इंस्टीट्यूशन बना सकती है फर्म बना सकती है यूनियन बना सकती है सोसाइटी या क्लब बना सकती है या सिर्फ किसी नाम के बगैर भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है एसोसिएशंस का ज्यादा पर्पस जो होता है वो पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को कवर करना होता है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है कंफ्लिक्स को रिजॉल्व करना होता है और प्रोग्रेस करना होता है माय डियर स्टूडेंट्स The right to freedom of association is very much, therefore, subject to this important qualification that reasonable restrictions on its existence may be imposed by law in the interest of the morality or public order or the sovereignty or integrity of Pakistan. Ye char बड़ी जबरदस्त रिस्ट्रिक्शन्स हैं जो कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर गवर्नमेंट लगा सकती है और वो इस वास्ते ज़रूरी हैं कि कहीं इस फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बैनर के तले इंटैग्रिटी ऑफ पाकिस्तान क्वेश्चन तो नहीं हो रही क्या पाकिस्तान को हिस्से बखरे करने की बात तो नहीं हो रही क्या उसकी सॉवरिटी को चैलेंज तो नहीं किया जा रहा क्या पब्लिक ऑर्डर इन क्वेश्चन तो नहीं है दस माई डियर स्टूडेंट्स दसोसिएशन दस दसोसिएशन द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू एडवोकेट और कैरी ऑन सम इमोरल पर्पज फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग और इलीगल एक्टिविटी और ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट बाय अनलॉफुल मीन्स मे बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ तो डियर स्टूडेंट्स फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पॉजिटिव एक्टिविटीज के लिए मुल्क में एक्सरसाइज किया जा सकता है और अगर ये राइट अगेंस्ट द सॉवरिटी ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल होगा इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल होगा पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट इस्तेमाल होगा तो फिर इसके करने की इजाजत मुल्क में नहीं होगी होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इन